एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं डीमार्ट और कुछ दिन बाद घर जाने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लेंगे। तो देखिए, इधर अहमद भाई भी साथ में जा रहे हैं। अहमद भाई, हेलो। तो अभी जा रहे हैं, रास्ते में है। यहाँ से थोड़ी देर बाद अपना कंपनी का गेट से बाहर निकलेंगे और वहाँ पे ऑटो पकड़ेंगे, फिर ऑटो से डीमार्ट जाएंगे। तो चलते हैं और आप सब वीडियो में बने रहिए। कि पिछला वीडियो में आप लोग ने देखा था कि मैं जब घर से पूना आया था तो उतना ठीक से वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि कुछ पोपट हो गया था। मेरा पोपट ये हुआ था कि मेरा ट्रेन में बैग ही चोरी हो गया था, तो अपसेट हो गए, मतलब बता नहीं पाए और उतना टाइम भी नहीं मिला। तो अभी फिलहाल कंपनी के अंदर में कंपनी कुछ इस तरह का दिखता है ये रास्ता, और आप सबको दिखाते हुए लेके जा रहे हैं। तो कमेंट में बताइएगा क्या लग रहा है। और फिलहाल तो अभी जा रहे हैं, गर्मी भी काफ़ी पड़ रहा है। अभी डायरेक्ट यहाँ से डीमार्ट जाएंगे ऑटो लेके, फिर डीमार्ट पहुँचने के बाद जो भी थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के बाद फिर रूम जाएंगे और आप सबको दिखाएंगे कि क्या क्या शॉपिंग हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। डीमार्ट पहुँचते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं। मेन गेट है, कुछ इस तरह का दिखता है। अभी मेन गेट से बाहर निकल चुके हैं, अभी नारियल पानी पी रहे हैं। और ये देखिए, अहमद भाई भी है साथ में, अहमद भाई भी नारियल पानी पी रहा है। काफी मीठा पानी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा। और भाई साहब कुछ बोल रहे हैं इधर, जो अभी नारियल पानी इधर दुकान लगा हुआ है। और आप सबको बैक कैमरा से दिखा रहे हैं कि कितना सारा नारियल का इधर को लगा हुआ है, तो दिखाते हैं आपको बैक कैमरा। गाइस, जैसा कि आप लोग ने देखा, अभी पानी नारियल पानी पी रहे थे, तो वहाँ पे नारियल पानी बेचने वाला बोल रहा था, वीडियो बना रहे हो क्या? तो हाँ, हमने वीडियो बना रहे, तो बोले ये। तो फिर भाई ने बोला कि क्या नाम है तुम्हारा चैनल का, फिर भाई ने सब्सक्राइब किया मेरे को। मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ऐसा ही अगर कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन जरूर कामयाबी छू लेंगे। और आप सबका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, अगर आप सब अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो आप सबका एकदम फुल्ली सपोर्ट चाहिए, क्या अमन भाई, सही बात है कि नहीं? अमन भाई भी कुछ बोलना चाहता है। सही बात है भाई, बाइक चल रहा था और शेयर करते रहना भाई। तो अभी हाईवे में है फिलहाल और मंजिल ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कब कब मिलेगा, कहना तो मुश्किल है क्योंकि पता तो है नहीं उतना पुणे के बारे में, फर्स्ट टाइम आए हैं, उतना एक्सपीरियंस है नहीं। अभी जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे आता है अपना मंजिल। फाइनली गाइज, अभी डीमार्ट से वापस रूम आ चुके हैं, क्योंकि डीमार्ट में उतना टाइम नहीं मिला जो मैं शूट कर पाऊँ, क्योंकि बहुत ही भीड़ था आज संडे के वजह से। बट वीडियो तो आज लोड नहीं होगा, कल सुबह 8 बजे तक आ जाएगा, लेकिन आज इतना भीड़ था डीमार्ट में तो शूट नहीं कर पाए। तो चलो दिखाते हैं आप सबको कि क्या क्या मैंने लिया है, स्टार्ट करते हैं और बैक कैमरा से आप सबको दिखाते हैं कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। कुछ इस तरह का दिख रहा है ये सारा, अभी एक एक करके आपको दिखाएंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये बैग दिखाता हूँ।
कमेंट करके बताना बैग कैसा है। अब बैग का कलर कुछ नेवी ब्लू जैसा लग रहा है, पर नेवी ब्लू ही होगा शायद मेरे ख्याल से। हाँ ब्लू ही है। और ये कुछ है शाही मिक्स, शाही मिक्स ये कुछ मिक्सचर है। उसके बाद ये हल्दीराम का भुजिया सेव, हल्दीराम का। उसके बाद ये है आपका हल्दीराम का मूंग दाल। ये कुछ किशमिश है। इसके बाद ये नवरत्न ठंडा ठंडा तेल। उसके बाद एक कोलगेट है। उसके बाद कुछ खेलने के लिए टॉयज। और ये हेयर ड्रायर। उसके बाद ये काजू। ये चॉकलेट है, कैंडी, कच्चा आम। उसके बाद ये क्लिनिक प्लस शैम्पू। और ये सोन पापड़ी हल्दीराम। और ये कुछ बिस्किट है। ये टॉवल, कलर बताइएगा कमेंट करके। उसके बाद ये हैंड वॉश है सेंतूर का। उसके बाद ये है खजूर। ये एक ट्रिमर सिस्का कंपनी का। ये है रूम फ्रेशनर जैस्मिन ग्लो, सिंथोल साबुन जो कि ठंडा ठंडा कूल कूल। और ये है कंफर्ट। सो गाइज, इतना सारा सामान मैंने आज खरीदा है घर जाने के लिए। तो अभी सो गाइज, आप सबने अभी देखा कि मैंने डीमार्ट में जाके क्या क्या खरीदा आज। तो बहुत ही सारा सामान खरीद लिया हूँ और पैसा भी बहुत गया है, बजट के हिसाब से ही खरीदा हूँ। और ज्यादा तो कुछ शॉर्ट नहीं कर पाया। गाइज आप सब बताइएगा कमेंट करके कि कैसा कौन सा क्या आपको अच्छा है, फेवरेट है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक के लिए